नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विंटर स्पेशल पंजाबी पिन्नी बनाने जा रहे हैं। ये बहुत एनर्जी देने वाले आटा गोंद और ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू हैं। तो आइए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी रेसिपी अपलोड करूँ तो आप उसे इंजॉय कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। पंजाबी पिन्नी बनाने के लिए इस बाउल से, ये बड़ा बाउल है मेरे पास, एक बाउल मैंने घी लिया है, एक बाउल गुड़ लिया है, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, और इसी से नाप कर दो बाउल मैंने गेहूं का आटा लिया है, और ड्राई फ्रूट्स में मैंने एक कप नारियल को कद्दूकस करके लिया है, ये सूखा नारियल है, एक कप मैंने बादाम ली है, एक कप काजू, एक कप किशमिश, एक कप गोंद है, आधा कप मैंने खसखस लिए हैं और आधा कप ही मैंने तरबूज के बीज लिए हैं। अब इनमें से आप अपनी पसंद से, अगर आपको कोई ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा या कम करना हो या जो नहीं डालना हो तो आप उसे हटा सकते हैं, और कम ज़्यादा अगर करना हो तो आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। अब सबसे पहले मैंने जो खरबूज के बीज लिए हैं इसे डाल दिया है, इसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसे हम 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि इसमें से अच्छी सी चटचट आवाज़ आ जाए, तो हमारे बीज अच्छे से फूल भी जाएंगे और अच्छे गर्म भी हो जाएंगे। 2-3 मिनट हमने इसे लो फ्लेम पर कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें से बहुत अच्छे से चटचट की आवाज़ आ रही है और हमारे ये जो खरबूज के बीज हैं ये अच्छे से फूल गए हैं। अब हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम खसखस है, इसे भी 2-3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसे भी थाली में निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। खसखस को भी हमने 2-3 मिनट लो फ्लेम पर सेक लिया है। अब हम इसमें जो हमने कद्दूकस करके नारियल रखा है इसे भी डाल देंगे और इसे भी लो मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट थोड़ा सा हम इसे सेक लेंगे, ताकि इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आने लगे। 3-4 मिनट लो फ्लेम पर हमने नारियल को भी अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। इसे भी अब हम थाली में निकाल लेंगे। हमने नारियल को थाली में निकाल लिया है। अब कढ़ाई में हम घी डालेंगे। अभी तक हमने खसखस, खरबूजे के बीज और नारियल वो ड्राई रोस्ट किया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब घी डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, घी भी हमने लिया ज़रूर है, लेकिन हम अपने ज़रूरत के हिसाब से, अगर हमें कम घी में लड्डू बनाना है तो भी हम इसे बना सकते हैं कम घी का इस्तेमाल करके, तो घी भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस ये घी पिघलता है, फिर इसमें सबसे पहले हम गोंद तल लेंगे। ये लड्डू खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक भी होते हैं। एक ही लड्डू खा के अगर हम एक ग्लास दूध पी लें तो हमको दिन भर इससे बहुत एनर्जी मिलती है। घी गर्म हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर लेंगे और गोंद डाल देंगे। गोंद में आधे डाल रही हूँ, पहले 2 बार में तल लेंगे, क्योंकि अगर हम फुल फ्लेम पर गोंद को तलते हैं तो वो ऊपर से तो सिक जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं, तो हम उसे लो फ्लेम पर ही अच्छे से सेकेंगे ताकि वो अंदर तक अच्छे से सिक जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा गोंद कितना बढ़िया तल गया है, एकदम अंदर तक सिक गया है इस तरह से। निकाल लिया है और इसी तरह से और भी जो गोंद बचा है उसे भी हम ऐसे ही तल लेंगे। इसे भी हम एक थाली में निकाल लेंगे।
हमने गोंद भी दूसरी बार का तल के निकाल लिया। अब इसी घी में हम जो बादाम लिए इसे डाल देंगे और इसे भी 2-3 मिनट हम लो फ्लेम पर ही अच्छे से सेक लेंगे ताकि लड्डू में इसकी बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और क्रंची भी होगा। बादाम को 2-3 मिनट हमने अच्छे से तल लिया है, अच्छे से हो गई है, इससे लड्डू में बहुत अच्छा क्रंची टेस्ट आता है। वैसे तो हम बगैर तले भी डाल सकते हैं लेकिन अगर हम इसको घी में तल के डालेंगे तो लड्डू बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। इस तरह से हमने बादाम को भी तल लिया है, इसे भी हम थाली में निकाल लेंगे। और अब इसमें हम काजू डाल देंगे और इसे भी 2-3 मिनट हम इसे लो फ्लेम पर ही हल्का सा भून लेंगे ताकि इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी इसका बढ़ जाएगा। दो तीन मिनट हमने काजू को भी तल लिया है, देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया है और बहुत अच्छी इसकी खुशबू भी आने लगी है, इसे भी हम निकाल लेंगे। हम देख सकते हैं इसे भी हम थाली में निकाल लेंगे और इसी घी में अब हम किशमिश डाल देंगे। इसे भी 1-2 मिनट लो फ्लेम पर ही हम अच्छे से कर लेंगे तो किशमिश भी अच्छे से फूल जाएगी। किशमिश भी अच्छे से फूल गई है, आप देख सकते हैं, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब इसी घी में हम 1 चम्मच घी और डाल देंगे और जो आटा है वो इसमें डालकर लो फ्लेम पर अच्छे से हिलाते हुए अच्छा सुनहरी होने तक उसे भी हम सेक लेंगे। अब ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने थाली में निकाल लिए हैं इसमें से बादाम, काजू और जो हमारा गोंद है इसे हम खलबत्ते में थोड़ा सा दरदरा कुचल लेंगे और ये जो ड्राई फ्रूट्स ये हमने जो अलग निकाल लिए हैं इसे हमें कुचलना नहीं है। नारियल, खसखस, बीज और ये किशमिश इसे हमने चारों अलग रखा है और इन्हें हम खलबत्ते में थोड़ा सा दरदरा होने तक कूट लेंगे और आटा भी सुनहरी होने तक अच्छे से लो फ्लेम पर सेक लेंगे। हमने आटे को भी बिल्कुल लो फ्लेम पर ही अच्छे से भून लिया है, आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया है। आटे को सेकने में हमें 15 से 20 मिनट का टाइम लगा। अब हम इसे एक बड़ी थाली में निकाल लेंगे। हमने आटे को एक बड़ी सी परात में निकाल लिया। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर देंगे। यह हमने जो भून के ड्राई फ्रूट्स रखे थे खसखस, नारियल, किशमिश और खरबूजे के बीज सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे और हमने गोंद को, काजू और बादाम सभी को खलबत्ते में थोड़ा सा कुचल लिया है। पीसेस थोड़े से बड़े बड़े ही रखे हैं, हमने मिक्सी में इसका पाउडर नहीं बनाया है, हमने इसे कुचल के थोड़ा सा बड़ा बड़ा रखा है ताकि इससे लड्डू का खाने में स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसे भी हम इसमें डाल देंगे और हमने जो गुड़ लिया था गुड़ भी इसमें डाल देंगे। सॉरी वो हाथ से ही फिसल रहा है, हाथ में घी है चिकनाहट के कारण। इस तरह से गुड़ आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको कम घी में लड्डू बनाना है तो आप इसी गुड़ को थोड़ा सा पानी डालकर गैस पर इसको गर्म कर सकते हैं और उसके बाद में आप इसको मिक्स कर लें। लेकिन अगर हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारे लड्डू जो रहते हैं इसकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है, इसलिए हम बिल्कुल भी उसका पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मसल लेते हैं। लड्डू के सारे मिश्रण को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हमारा ये मिश्रण थोड़ा सा ड्राई लग रहा है,
तो हमारे जो बाउल में घी 2-3 चम्मच के करीब घी और बचा है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे और सारी चीजों को हाथ से मसल मसल कर अच्छे से और मिक्स कर लेंगे। हमने घी को भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये लड्डू बनने लायक मिश्रण इसका तैयार है। अब हमको जिस साइज के लड्डू बनाने हैं उस हिसाब से हम मिश्रण ले लेंगे और इसके लड्डू बांध देंगे। देखिए अब आसानी से बन रहा है। देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुआ है हमारा। इसी तरह से हम और भी लड्डू तैयार कर लेंगे। इसी को पंजाब में पिन्नी कहते हैं। हम और भी पिन्नी बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। हमारे आटा और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनकर तैयार हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं और मैंने इसे और भी हेल्दी बनाने के लिए शक्कर के बदले गुड़ का इसमें इस्तेमाल किया है। तो लड्डू देखकर ऐसा लग रहा होगा ना कि जल्दी से इसमें से एक उठा लिया जाए, क्योंकि ये जितने सुंदर दिख रहे हैं खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो आप भी इन एनर्जी वाले लड्डू को अपने घर पर जरूर बनाइए, फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए और रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।